चलिए हमारे साथ दुर्गेश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन के दौरे पर हैं, रविवार को वो काशी जा रहे हैं। दुर्गेश, क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का? जी आशीष, मैं आपको बता दूं कि वाराणसी जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं तो एक कहा जा सकता है कि वो एक अनेक गाइडलाइन के साथ और यहाँ की जनता के एक लाभप्रद माना जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लगभग डेढ़ बजे के लगभग डेढ़ बजे तक वाराणसी आएंगे, हेलीकॉप्टर बीएचयू हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट से उतरेंगे और यहाँ से उतरने के बाद समीक्षा बैठक जो कोविड अस्पताल डीआरडीओ अस्पताल बना है वहाँ पे और 7-750 बेड का बना है। और मैं आपको बता दें कि 750 बेड में 250-250 के 3 चेंबर बनाए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे समीक्षा मंडली समीक्षा बैठक प्रतिनिधियों के साथ करेंगे और उसके साथ बीएचयू में 28 कोविड अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे। और लोगों को मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पे मरीजों को कल यानी सोमवार से लोगों को भर्ती भी कराया जाएगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले थे वर्चुअल संवाद से, लेकिन किसी कारणवश यह वर्चुअल संवाद चल गया है। जी आशीष, दुर्गेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता दुर्गेश जानकारी दे रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम रहने वाला है। लगातार मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमण के प्रति गंभीर नजर आ रहे हैं, लगातार अलग अलग जिलों के वो दौरे भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी जा रहे हैं, जहां बीएचयू परिसर में डीआरडीओ की ओर से निर्मित पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल के चालू होने से पहले की तैयारियों को परखेंगे।